नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र में दलित किचन में खाना बनाने पहुंचे। उन्होंने माना खाना बनाया है, खाना खाया है, उस परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिताया है, परिवार की समस्या समझी, खुद ही उस परिवार के साथ खाना बनाया है, सीखा है बनाना कैसे बनाते हैं साग भाजी सब्जी, और फिर कैसे मसाले पीसे जाते हैं, कैसे काटी जाती है सब्जी, कैसे हरा प्याज काटा है, कैसे लहसुन पीसा है, कैसे सब कुछ दिखाया, फिर भोजन किया होगा। आज भारत में लगातार राहुल गांधी कभी कुलियों के यहाँ पहुंच जाते हैं, कभी नाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी मोची की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी ये दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम जनता इसको कितना गहनता से लेती है, जनता इसको कितनी गहराई से समझती है, लेकिन एक बात जरूर है कि भारत की जनता जिसे से कनेक्ट होती है उससे बहुत तीव्रता से होती है, और जिसका कनेक्ट तोड़ती है उसकी बहुत तीव्रता से तोड़ती है। इस समय देश की जनता राहुल से कनेक्ट हो रही है, मोदी से कनेक्ट थोड़ा टूट रहा है। उसमें तीन चार चीजें आड़े भी आए, सरकार के नेताओं की बात ना सुना जाना, अधिकारियों की मनमर्जी करना, खुद मोदी आम लोगों से ना मिलना, अपने पार्टी के नेताओं से ना मिलना, कल्चर बदलना, सारे अधिकार सारे सिस्टम पीएमओ से संचालित करना, तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे जनता समझी, समझने में 10 वर्ष लग गए, 10 वर्ष तक आंख मूंद कर चली, अब जनता समझ रही है, अब जनता जवाब भी मांग रही है और जनता अब चर्चा भी करने लगी। इन सब बातचीतों पर पहले हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे जो 6 मिनट का राहुल गांधी ने सबके समक्ष रखा है, ताकि दर्शक भी समझ सके कि आखिर क्या है वीडियो और वीडियो की क्या मुख्य भूमिका है, क्योंकि दर्शकों को सबसे पहले समझने का अधिकार है और दर्शकों को बात सुनने का और अपनी बात कहने का अधिकार है। ज्यादा तीखा नहीं खाता। जब तो सर आंख से कान से भाप ना निकले ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता है। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। जब मैं कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग। मेरा नाम शाहू पाटोले है, मेरा गांव का नाम खामगांव है, एक छोटा सा देहात है उसके बगल में। मेरी ये बुक आ गई है दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। मराठी अखबारों में भी फूड के बारे में लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उसमें हम एब्सेंट थे, हम कहीं भी नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि मेरे फूड के क्या खाते थे, तो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मैंने हमको ढूंढा है। नमस्कार, मेरा नाम अंजन, मेरा सिस्टर है अजय कुमार संदीप, और आदित्य मेरा छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधने गए, समझ आया कि आंधी है, ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये आपकी बिल्ली है? बिल्ला है सर, वो बिल्ला चने का जो पेड़ आते हैं, प्लांट्स जो छोटे होते हैं, तो टेंडर ये पूरा ऊपर का निकल देते हैं। ये बिहार में भी मिलता है बहुत, उसमें सिर्फ आटा यूज करते हैं। ये क्या है? ये सर क्रश है, गवर्नर का क्रश है। पहली होटल दलित ने शाहू महाराज ने खोल के दी थी। यहाँ यहाँ पे रोज सुबह शाहू महाराज वहां जाके चाय पीते थे पहले।
ऐसा मिक्स कर दीजिए बस, कट करने से उसकी टेस्ट चेंज होती है, ऐसा करने से टेस्ट टेस्ट अलग आता है उसका। बहुत महंगा होगा सर लहसुन, अभी 200 रुपए के जी है। हम जाकर रोटी खाते हैं, हम गरीब हैं। कोई कह रहा है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, वो खाओ बोलने से हमारा महंगा होगा मिलेट्स सर, सस्ता वाला। तीखा खाते मुझे पता नहीं है, ज्यादा तीखा नहीं खाते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको, आप तीखा खाते हैं? बहुत ज्यादा। जब सर आंख से कान से भाप ना निकले ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता है। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो बात अलग है, जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना। पिछले 4 इलेक्शन तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते, कांग्रेस को तो नहीं, और बीजेपी तो कभी भी नहीं किया है जिंदगी में, नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पीडब्ल्यूडी को शेतकरी कामगार, वो पार्टी खत्म हो गया अभी, तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए, आपके भारत जोड़े में आया था मैं। खाने को धर्म से जोड़ा हुआ है, आप क्या खाते हो इसलिए आप बड़े हो या छोटे हो। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बराबर, बट ये इनडायरेक्ट भी होती सर, सब तो सर आज भी फिर मैं गांव में आज भी मैं गांव में रहता हूँ, मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? अगर आएंगे खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं आज भी, और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बना? नहीं नहीं बहाना बना, नहीं नहीं आएंगे, हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई ना। अब ये ऑफिसर था, ये इतना बड़ा आदमी हो गया तो डिस्टर्ब मत करो। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं, लेकिन आज मतलब आपके ऑफिसर रैंक की रिस्पेक्ट हो रही है। हाँ राइट, आपकी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कास्ट की रिस्पेक्ट नहीं है वो। दोनों भाई का हाथ का खाना कहेंगे। हरभरे की भाजी, वही मैं कह रहा था ना, लेडीज का दुगना काम पड़ता है। बाबा साहब ने यही लिखा हुआ है कि सब दलित है लेकिन लेडीज सब दलित है। समझो अगर ये बर्तन ये किसी सवर्ण के घर का है, मैंने छू लिया तो उसको आग में डाल के फिर लेते थे उसको। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसका ये कभी ठीक होगा सर? नहीं लगता अब तो, अब तो बहुत हम आगे जा चुके हैं, अब उल्टा जा रहे हैं, अब उल्टा जा रहे हैं सर। साउथ अफ्रीका में चमड़ी के बेसिस पे होता है। बराबर सर, वो ठीक है, अब वो कुछ भी कर ले सर, वो चमड़ी तो नहीं सर, अगर यहाँ पे छुपी हुई सर, यहाँ लोग इसलिए कास्ट छिपाते हैं, छिपी हुई है, हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की, सरनेम चेंज करेंगे बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है, जब शादी के लिए जाएगा तो। ये सब ने आप दोनों ने बनाया, ये मुझे अच्छा लगा। आपको अब मेरा रोटी अच्छा लगा, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इसमें मेरे बहुत ज्यादा लेकिन सर आपने बनाया उसको वो, आपने मैंने देखा, आपने देखा लिया वो, मैं देखा था। हम कोलोर वाले ज्यादा पैसे कमाते हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी दलित किचन वालों के घर पहुंचे, खाना बनाया, खाना खाया, और उसके बाद उन्होंने वो वहां मौके का पूरा वीडियो शेयर किया, और शेयर करके उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि लोगों के साथ मिलकर, लोगों के साथ बात कर उनकी बातें शेयर की। बड़े उससे जिस किचन वाले के घर बातचीत कर रही थी, वो कह रही थी कि हमारे यहाँ आज भी दलित के छुए बर्तन गर्म आग में सेके जाते हैं, उसके बाद उन्हें या तो फेंक दिया जाता है या फिर कम प्रयोग में लिया जाता है। आज धीरे धीरे छुआछूत पर काफी अंतर है, काफी बदलाव है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे लोग कुछ मानसिकता से अपनी जाति का सरनेम बदल के ऊंची जातियों के सरनेम लगाते हैं, ये प्रथा बेहद गलत है। कई चीजें हैं इस बदलाव के दौरान, ये देखना होगा क्या राहुल गांधी का ये बदलाव, क्या राहुल गांधी का दलितों के घर जाना, इससे पहले ये प्रैक्टिकल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कर चुके हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सारे नेता दलितों के घर गए, भोजन किए,
लेकिन उनके वो वीडियो भी वायरल हुए जिसमें वो अपने टिफिन में रख के खाना ले जाते थे, कहीं पानी की बोतल है, कहीं कुछ है, सब कुछ दिख जाता। मेरा मानना है किसी के घर भोजन करने जाओ, किसी के घर खाने जाओ, कौन दलित, कौन पिछड़ा, कौन अगड़ा, हम इंसान है। इंसान के घर भोजन करने जाओ, इंसान की किचन में खाना खाने जाओ, ये इंसानियत का संदेश देने जाओ, तो मैं समझूंगा कि कुछ बदलाव है। अगर आज भी हम जातीयता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर अगर एक दूसरे की किचन में जाएंगे, एक दूसरे के साथ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि देश में कुछ नया होने जा रहा। फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करें। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।